अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आई एम योर टीचर ईमान। आज मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। उम्मीद है कि आप डे बाय डे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर रही हैं। वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन बटन कीजिए। चले अब हम अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का जो न्यू क्वेश्चन है वो हमारा शिपमेंट से रिलेटेड है। क्या है आज का हमारा क्वेश्चन? अ फर्म बाइज 3 शिपमेंट्स आउट पार्ट्स ईच मंथ। कि फर्म है वो 3 शिपमेंट्स है जो वो हर महीने क्या कर रही है, बाय कर रही है। अब परचेजिंग एजेंट्स जो उसे सिलेक्ट करने हैं वो रेंडमली सिलेक्ट करने हैं। अब परचेजिंग एजेंट्स जो हैं वो इन स्टेट सप्लायर भी हो सकते हैं और वो आउट ऑफ स्टेट सप्लायर भी हो सकते हैं। जो इन स्टेट सप्लायर्स की जो तादाद है वो 4 है और आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स की तादाद कितनी है, 6 है। तो उनके पास टोटल सप्लायर्स कितने हो जाएंगे जो अवेलेबल होंगे, वो 10 होंगे। 10 में से उसने कितने करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं बाइस के लिए, शिपमेंट्स के लिए। ठीक है गाइस, अब हम ने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड विद क्या कर रहे हैं द स्टेट सप्लायर्स। क्या हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जो ऑर्डर जिनको देने हैं वो सिर्फ कौन से सप्लायर्स होंगे, इन स्टेट होंगे। मीन्स के तीनों जो सप्लायर्स होंगे वो क्या होंगे, इन स्टेट। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है हमें फाइंड आउट करने के तीनों सप्लायर्स क्या होने चाहिए, आउट ऑफ स्टेट। थर्ड प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड आउट करने के, एटलीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर्स का होना ज़रूरी है, वरना एक से ज़्यादा भी इन स्टेट सप्लायर्स हो सकते हैं। आफ्टर दिस प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन को आपने अकॉर्डिंग टू पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन मैंने शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से लिया है और ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू पैटर्न सॉल्व करते हैं। पहले मैंने राइट किया नंबर ऑफ इन स्टेट सप्लायर्स, वो कितने हैं, 4। नंबर ऑफ आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स कितने हैं, 6। तो टोटल सप्लायर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, 10 सप्लायर्स। अब हमने इन 10 सप्लायर्स में से वो कितने एजेंट्स को सिलेक्ट करना है, 3। तो हमारा नंबर ऑफ एस जो होगा वो कितना होगा हमारा, 3। यानी कि 10 कम्बिनेशन 3 के 10 में से हमने कितने फाइंड आउट करने हैं, 3। तो 10 कम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 120। हमने क्या फाइंड आउट करना था, पहले इवेंट ए फॉलूम करना था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से सप्लायर्स लेने थे, इन स्टेट सप्लायर्स लेने थे। तो इन स्टेट सप्लायर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, 4। तो 4 में से हमने तीनों के तीनों इन स्टेट सप्लायर्स लिए, आउट ऑफ स्टेट सप्लायर हमने कोई भी नहीं लिया। क्वेश्चन की जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1/30। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला, उसमें हमने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या रखने थे, ऊपर और नीचे हमारे क्या होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में जो बी वी द इवेंट है उसमें हमने क्या लेने हैं, सारे के सारे हमने आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स लेने हैं। तो हम तीनों के तीनों कौन से सप्लायर्स लेंगे, आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स लेंगे। मीन्स कि हमने 6 के में से तीनों के तीनों आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स सेलेक्ट कर लिए हैं और जो हमारे इन स्टेट सप्लायर्स हैं उनमें से हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो हमने ऊपर हमने फेवरेबल केसेस लिखने हैं और ओवर में हमने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स राइट करने हैं। और क्वेश्चन का जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1/6 आफ्टर सिंप्लीफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम इसके बाद चलेंगे इवेंट नंबर सी पर। तो सी बी द इवेंट दैट कि एट लीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर, यानी कि एक क्या होना चाहिए आपका, इन स्टेट सप्लायर होना चाहिए। यानी कि या अगर आप इन स्टेट सप्लायर 1 लेंगे तो हमने आउट ऑफ स्टेट सप्लायर कितने लेने, 2। अगर आप इन स्टेट सप्लायर 2 लेंगे तो आउट ऑफ स्टेट सप्लायर हम कितने लेंगे, 1। अगर आप तीनों के तीनों इन स्टेट सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आउट ऑफ स्टेट सप्लायर क्या लोगे, 0। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो समराइज करने के बाद रिजल्ट आया वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।